हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक पेज पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जेनाइटल हर्पीज के बारे में कि जेनाइटल हर्पीज क्या होता है, जेनाइटल हर्पीज कैसे होता है, जेनाइटल हर्पीज के पीछे क्या वजह है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखने को मिल सकते हैं और कैसे इसकी जाँच की जाए यानी डायग्नोसिस ऑफ जेनाइटल हर्पीज, और होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिंस हैं जो जेनाइटल हर्पीज के केसेस में दी जाती हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है मेडिसिंस, और प्रिवेंशन पार्ट यानी अगर आपको जेनाइटल हर्पीज है या फिर कुछ सिम्टम्स हैं अर्ली स्टेज के तो कैसे आप बचें, आगे ये प्रॉब्लम बढ़े ना, यानी प्रिवेंटरी पार्ट और कुछ प्रिकॉशंस की हम जानकारी देने वाले हैं। तो ये पूरी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जेनाइटल हर्पीज क्या है। तो देखिए, जेनाइटल हर्पीज एक तरह का STDs है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो वायरस है वो है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2, यानी इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है और कैरेक्टराइज्ड बाय वैसिकुलर इरप्शंस, यानी इसके जो दाने होते हैं वो पानी के फ्लूइड फिल्ड भरे हुए होते हैं और ग्रुप्स में होते हैं। तो ये हमने बात करी इसकी डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज क्या है और कैसे इसके इरप्शंस दिखाई देते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके स्प्रेड की कि कैसे ये बीमारी फैलती है, यानी इसका स्प्रेडिंग एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये कैसे होती है, इसका स्प्रेडिंग ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो देखिए, हमने अभी बात करी है कि ये काइंड ऑफ STDs है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से आता है और ये जो है एक फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से होता है। इसमें स्प्रेडिंग जो होती है इन्फेक्टेड पर्सन से होती है, यानी अगर इन्फेक्टेड कोई पर्सन है उसके साथ आपका रिलेशन है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आप में ट्रांसमिट यानी स्प्रेड हो सकती है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे स्प्रेडिंग की। अब हम बात कर लेते हैं इसके पीछे कॉजेज की, वजह की, इसके पीछे मेन वजह क्या है, मेन कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो देखिए, मेन रीज़न हमने इसकी डेफिनेशन में बताया है आपको कि वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2 जो इसका सेकेंड टाइप होता है उससे जेनाइटल हर्पीज होता है, ये इसके पीछे मेन रीज़न है। और स्प्रेडिंग की भी हमने बात कर ली है, यही इसके कॉजेज़ में आते हैं कि इसका स्प्रेडिंग भी हमने बात करी है, STDs है, काइंड ऑफ STDs है। और जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो वायरस आपकी जितने भी जो सेल्स होते हैं उनके साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है और वहाँ पे एक अपना इन्वायरमेंट बना लेता है और नर्व सेल्स के अराउंड जो है ये रहना स्टार्ट कर देता है और उनको धीरे धीरे करके ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से जब आपका इम्यून सिस्टम लो होता है, कम होता है, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, जब आप टायर्ड होते हैं या फिर आपका इम्यूनिटी अफेक्ट होता है तब इसका आउटब्रेक होता है। आउटब्रेक जो हम इसके सिम्टम्स में डिस्कस करेंगे, इसके इरप्शंस यानी दाने निकल आते हैं। तो जी, हमने बात करी इसका जो है कॉजेस की कि मेन वजह की और किस तरह से ये बॉडी में मल्टीप्लाई करता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, यानी लक्षण की, कि इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स, क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, जेनाइटल हर्पीज जो प्रॉब्लम है, हमने बात करी है कि इसके जो इरप्शंस दाने होते हैं वही इसका मेन इंडिकेटिव सिम्टम्स भी होते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। इसके जो दाने होते हैं, सबसे पहला तो वो वैसिकुलर इरप्शंस हम उनको कहते हैं। वैसिकुलर का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड, यानी जो एक तरह के छाले होते हैं उनमें पानी सा भरा हुआ होता है, इस तरह के इसके दाने होते हैं। दूसरा, वो दाने रप्चर भी हो सकते हैं, यानी वो फूट भी सकते हैं और उनसे जो पानी भरा हुआ था वो निकल भी सकता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हो जाए, घाव बन सकता है जिसको कि हम अल्सरेशन कहते हैं, यानी अल्सर फॉर्मेशन भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस कंडीशन है तो। और जब ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो 2-3 दिन से लेके लगभग 1 महीना भी लग जाता है इसके सिम्टम्स आने में, और कुछ कुछ पेशेंट में तो इसके सिम्टम्स आते भी नहीं हैं। अगर जिनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है तो ज़रूरी नहीं है उसमें सिम्टम्स आए, हल्के फुल्के आउटब्रेक हो, हल्के फुल्के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, बट आउटब्रेक का मतलब है बहुत ज़्यादा दाने हो जाना, अचानक से इसके वैस्कुलर इरप्शंस बन जाना। तो ज़रूरी नहीं है सभी में आउटब्रेक देखा जाए। और अगर ये जेनाइटल हर्पीज है तो देखिए, जेनाइटल एरियाज में आपके दाने होंगे, मेल में और फीमेल में दोनों में ही जेनाइटल एरियाज में आपको दाने हो सकते हैं, इकट्ठे दाने होते हैं, वैस्कुलर इरप्शन जो है इकट्ठे होते हैं। और साथ ही साथ जेनाइटल एरिया के आसपास जो सराउंडिंग एरिया है, एनल एरिया है, थाइज है, वहाँ पर भी इसके दाने हो सकते हैं।
और स्टार्टिंग में आउटब्रेक से पहले क्या होता है, इसमें आपको हल्का फुल्का खुजली, ईचिंग हो सकता है, टिंगलिंग हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। तो अगर आप उस स्टेज में ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आप इसके आउटब्रेक से बच सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कोई स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो तभी आप ट्रीटमेंट ले लें, तो वो बीमारी ज़्यादा बढ़ने से बच जाती है। और देखिए, ये काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है, तो इसके स्टार्टिंग स्टेज में फ्लू लाइक सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे हेडेक है, बॉडी एक है, फटीग है, थकान है, ये सिम्टम्स भी स्टार्टिंग में इसमें देखने को मिल सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अगर बेबीज़ में, देखिए जेनिटल हर्पीज जो है मदर से ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे को भी ये हो सकता है, तो आपको प्रिकॉशंस ये रखने हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में ये डिटेक्ट हुआ है कि आपको जेनिटल हर्पीज है और बिल्कुल लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो डिलीवरी आपका जो है सिजेरियन सेक्शन यानी सी सेक्शन हो सकता है बजाय नॉर्मल के, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल और वजाइनल डिलीवरी होगा तो बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें आप ऑप्ट करें कि आप सी सेक्शन करवाएं और प्रॉपर मेडिकेशन भी आप रखें अगर आपको प्रेगनेंसी में ये डिटेक्ट हुआ है। तो जी, हमने बात करी इसके साइन एंड सिम्टम्स की कि क्या लक्षण जो है जेनिटल हर्पीज के देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की, यानी जांच की कि क्या क्या टेस्ट जरूरी हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है। तो देखिए, जांच में इसमें विजुअल एग्जामिनेशन यानी अच्छे से अगर देखा जाए तो इसके बिल्कुल अलग ही तरह के दाने होते हैं, वेसिकुलर इरप्शंस, वो खुजली भी कर सकते हैं, उनमें ब्लड भी निकल सकता है, घाव भी बन सकते हैं, वो ग्रुप्स में होते हैं पानी के भरे हुए, तो देखने से भी पता लग जाता है। साथ ही साथ आपका जो फ्लूड यानी जो पानी भरा हुआ होता है उसका भी, जिसको हम स्वैब टेस्ट कहते हैं, उसका भी स्वैब टेस्ट कर सकते हैं। म्यूकस मैम्ब्रेन सलाइवा से जो है और जेनिटल एरिया से जो फ्लूड है उसका भी टेस्ट किया जा सकता है, और साथ में ब्लड टेस्ट भी करे जा सकते हैं, आपके ब्लड टेस्ट भी किए जा सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए, फाइनल डायग्नोसिस के लिए। तो ये टेस्ट इसमें ज़रूरी हैं। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रिकॉशन की, प्रिवेंशन की, बचाव की, और क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए, सबसे पहले हर बीमारी का मेन बेसिक रूल यही है कि साफ़ सफाई यानी क्लीनिंग रखें प्रॉपरली, और स्पेशली जो एसटीडीज होती है उन केसेस में थोड़ा सा और अलर्ट हो जाएं आप, क्लीनिंग करें एरिया को, हाइजेनिक यानी साफ सफाई पे मेन ध्यान रखें, प्रॉपर जितने भी गारमेंट्स आपके हैं, क्लॉदिंग आपका जो है लूज होना चाहिए, कम्फर्टेबल होना चाहिए और कॉटन का होना चाहिए। और जहाँ तक बात है रिलेशनशिप मेंटेन करने की, तो अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आपको इन्फेक्शन है, तो आप अवॉइड करें रिलेशनशिप, और फिर भी अगर है तो अपने डॉक्टर के अंदर प्रॉपर मेडिकेशन के थ्रू पूरा मेडिसिन लेके रहें, और प्रिकॉशंस के थ्रू आप जो है रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। हाँ जी, और फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, यानी जेनिटल हर्पीस के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती रही हैं जो कि काफ़ी इफेक्टिव हैं। मैंने यहाँ पे मेन कॉमन बहुत ही स्पेसिफिक, ये कहें कि अब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रखी हुई हैं, वैसे बहुत सी मेडिसिन हैं। तो सबसे पहले हम नेट्रम्यूर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये यहाँ पे नेट्रम्यूर है, और जितने भी हमारे वीडियोस आप देखते हैं, जो भी वीडियोस में हम दवाइयाँ बताते हैं, वो सारी दवाइयाँ आपको साथ नहीं लेनी होती हैं। मैं सिम्टम वाइज भी मेडिसिन डिस्कस करती हूँ, यानी इस जो है अगर ये मेडिसिन आप कब लें। देखिए, वैसे तो जेनिटल हर्पीस के लिए बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन आपके केस के हिसाब से दवा बदल सकती है, तो आपको कौन सा दवा लेना है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बताई हुई एक टाइम पे एक ही दवा यूज़ करें। अगर आपको उससे आराम नहीं है तो आप दवा बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मेडिसिन रखी हुई है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर जेनिटल हर्पीस के केसेस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और हर एक होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर ड्रॉपर भी लगे हुए होते हैं। नेट्रम्यूर आपको तब लेना होता है जब आपको जेनिटल हर्पीस है, साथ में बहुत ज़्यादा अगर आपको खुजली है, और गर्मी से वार्म वेदर होता है, गर्मी हीट से अगर आपको प्रॉब्लम बढ़ती है, तो आप नेट्रम्यूर ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 200 पावर में रखा है, आप 30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दो तीन तीन इसमें ड्रॉपर लगा हुआ है, दो तीन तीन बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से आधे घंटे पहले लगातार आप यूज़ कर सकते हैं। 2-4 हफ्ते तक कम से कम इसे यूज़ करें आप। जल्दी आराम पड़ जाए तो जल्दी छोड़ दें, और कम आराम पड़ जाए तो दवा को थोड़ा लंबे टाइम तक भी यूज़ करना पड़ सकता है। और नेट्रम्यूर का एक खास सिम्टम और है कि आपके जेनिटल एरियाज के हेयर भी लॉस होते जाते हैं, अगर आपके प्यूबिक हेयर लॉस हो जाते हैं तो उस केस में भी आप नेट्रम्यूर ले सकते हैं। तो ये हमने बात करी यहाँ पे नेट्रम्यूर की। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हिपासल्फ की। मैंने हिपासल्फ भी रखी हुई है। देखिए, हिपासल्फ आपको कब लेनी है, इसमें भी ड्रॉपर लगा हुआ है, ये मैंने 30 पावर में रखी हुई है। हिपासल्फ आपको तब लेनी होती है जब आपको जो जेनिटल हर्पीज है उसमें अगर आपको अल्सरेशन हो गई यानी घाव बन गए हैं, तब आप हिपासल्फ ले सकते हैं। यानी वो जो दाने बने हुए थे वो रप्चर, वो फूट गए हैं, उनमें पानी निकल गया है, घाव बन गए हैं,
ब्लीडिंग हो सकती है, पस निकल सकती है और घाव बन सकता है, तो हिपरसल्फ आप ले सकते हैं और हिपरसल्फ की स्मेल भी हो जाती है, स्मेल की वजह से भी ले सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं हिपरसल्फ के पेशेंट, दो दो तीन तीन बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से आधा घंटा पहले आप लगातार यूज़ कर सकते हैं इस मेडिसिन को। अगर आपको जल्दी आराम पड़ जाता है तो आप जल्दी भी बंद कर सकते हैं, और कम आराम पड़ता है तो थोड़ा लंबा भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई है पेट्रोलियम। देखिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का क्या इंडिकेशन है कि पेट्रोलियम आपको ड्राई केसेस हैं, अगर आपको सिर्फ दाने बन रहे हैं, उनमें कोई ऊजिंग नहीं है यानी पानी नहीं निकल रहा है तो भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर ऊजिंग है यानी उनमें से पानी निकलता है तो भी आप ले सकते हैं। पेट्रोलियम भी 30 पावर में रखी है, सेम आपको दो तीन तीन बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से आधा घंटा पहले लेनी होती है। पेट्रोलियम का मेन इंडिकेटिव सिम्टम है नाइट में एग्रवेशन, यानी अगर आपको रात को तकलीफ बढ़ती है, रात को खुजली ज़्यादा होती है, आपके दानों में जो है पानी वगैरह निकलता है, यानी रात को कोई भी अगर दिक्कत है जेनिटल हर्पीज के केसेस में, तो पेट्रोलियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आप पेट्रोलियम यूज़ कर सकते हैं। एक और मैंने मेडिसिन यहाँ पे रखी हुई है क्रोटॉन्टिक। देखिए क्रोटॉन्टिक मेडिसिन है और ये भी बहुत ही इफेक्टिव है, क्रोटॉन्टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्रोटॉन्टिक में भी जो है दाने वेसिकुलर इरप्शंस होते हैं, खुजली वाले हो सकते हैं और जो है बम्पी इरप्शंस हो सकते हैं, और भी बहुत सी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में काफ़ी, जैसे मान लो नाइट्रिक एसिड है, मक्सॉल है, डलकमारा है, क्रियोसॉट है, बहुत सी दवाइयाँ हैं जेनिटल हर्पीज के लिए। केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट के हिसाब से मेडिसिन चेंज हो सकती है, सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन चेंज हो सकती है। और एक और क्वेश्चन रहता है व्यूअर्स का कि क्या ये क्योरेबल है जेनिटल हर्पीज। देखिए जेनिटल हर्पीज का जो वायरस होता है वो डोरमेंट स्टेट में आपकी बॉडी में पड़ा रहता है, जब आपका इम्यूनिटी कम होता है तो वो इरप्ट हो सकता है, यानी उसका जो है आउटब्रेक हो सकता है। बट अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके रिकरेंस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, यानी उसके आउटब्रेक्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको जेनिटल हर्पीज के बारे में जानकारी दी है, होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सकें, आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन्स मैंने वीडियो की डाली हुई हैं, बाकी वीडियोस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में देना स्टार्ट कर दिया है, वहाँ से आप दवा खरीद सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।